झूठा बयान दिलाकर मेरे को तंग कर रहा है। ऐसे होना चाहिए बोल के उल्टा पुल्टा बोल के मेरा मनोबल को डाउन किया है। झूठा बयान दिलाकर मेरे ऊपर कुछ इंक्वायरी बैठा रहा है। उधर का ऑफिसर लोग 169 बटालियन का अधिकारी लोग 4 इंक्रीमेंट काट दिया, सुसाइड करने का मजबूर कर रहा है। वही बात होगा, जवान सुसाइड करेगा। कितनी बुरी घटना है कि छोटे छोटे बच्चों को पेन और पेंसिल भी नहीं मिलती, दूध भी नहीं मिलता, फल फ्रूट भी नहीं मिलता, सब्जियां भी नहीं मिलती। उन दबंगों की गलियों से अगर जाते हैं तो झुंड के झुंड बैठे हुए हैं, जान से मारने का खतरा भी है। ये जिंदगी ऐसे नहीं है कि हमारी बहनों की इज्जत लुटती रहे और तुम तमाशा बनकर देखते रहो। घर में घुसकर हमारे समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। बोला 20 लाख दो तभी तेरा काम होगा। जरा का इज्जत नहीं है, हम लोग भी छोड़ने वाला नहीं है। इन सभी को, मेरा नाम के श्रीकांत, CRPF 170 बटालियन से बात कर रहा हूँ। मैं छुट्टी के बारे में, मेरा घर में समस्या था, छुट्टी के बारे में सभी 170 बटालियन अधिकारियों को बता दिया, लेकिन मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे, ऊपर से मेरे को तंग कर रहा है। फिर इस बात को पैरामिलिट्री एसोसिएशन तेजवीर सर को बता दिया मेरा प्रॉब्लम के बारे में, फिर मेरे को और तंग करना शुरू कर दिया। ऊपर से मेरे को अर्दली रूम खड़ा कर दिया, 4-5 आदमी को मतलब झूठा बयान दिलाकर मेरे को तंग कर रहा है। इसके बारे में मैं पैरामिलिट्री एसोसिएशन तेजवीर सर को बता दिया, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सर, मेरा समस्या को DG साहब तक पहुंचाने के लिए थोड़ा मेरे को मदद कर दीजिए। जय हिंद, सभी को जय हिंद। मेरा नाम के श्रीकांत, CRPF 170 बटालियन से बात कर रहा हूँ। मेरा घर में बहुत बड़ा समस्या था, मैं उसके लिए मेरा समस्या को हल करने के लिए मैं कंपनी में छुट्टी मांगा था, लेकिन कंपनी कमांडर ने छुट्टी नहीं दिया। फिर मैं अर्जुन साहब को भी फ़ोन किया था, उसने भी मेरे को छुट्टी नहीं दिया। लास्ट में CO साहब को भी मैं फ़ोन किया था, मेरा घर में ऐसे ऐसे समस्या चल रहा है सर, मेरा समस्या को थोड़ा समाधान करके आऊँगा बोल के मैं छुट्टी के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया हूँ, लेकिन मेरे को छुट्टी ना देकर तुम्हारा जैसा डिफॉल्टर को ऐसे ही होना चाहिए बोल के उल्टा पुल्टा बोल के मेरा मनोबल को डाउन किया है। फिर मैं कितना बार भी रिक्वेस्ट किया हूँ, मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से मेरे ऊपर कुछ ड्यूटी नहीं कर रहा है, आप ड्यूटी नहीं किया है ऐसे ऐसा बोल के कुछ लोगों को झूठा बयान दिलाकर मेरे ऊपर कुछ इंक्वायरी बैठा रहा है, इंक्वायरी बैठा के मेरे को तंग कर रहा है। फिर ऐसी घटना 169 बटालियन में भी मेरे साथ ऐसी घटना हुआ है, मेरे साथ झूठा बयान दिला के मेरे को बुरी तरह तंग किया है 2017 में। फिर मेरा 4 इंक्रीमेंट काट दिया उधर का ऑफिसर लोग, 169 बटालियन का अधिकारी लोग 4 इंक्रीमेंट काट दिया। फिर मैंने कोर्ट में केस किया है, उसके बारे में मेरा कोई दोष नहीं था, मैं कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया था, अभी वो केस अभी चल रहा है। ऐसे है अभी भी इधर 170 बटालियन का अधिकारी लोग उसी तरह का फिर मेरे को तंग करना शुरू कर दिया, तंग करके मेरे को सुसाइड करने का मजबूर कर रहा है। अभी हमारा समस्या को अधिकारी को बताने के बाद भी हमारा समस्या को हल नहीं करेगा तो हम किसको बता देंगे, वही बात होगा, जवान सुसाइड करेगा, फिर कोई रास्ता नहीं होगा तो क्या करेगा। इस वीडियो को मैं मजबूरी से बना रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो अगर मेरा कोई गलती होगा तो मेरे ऊपर बड़ी लेवल पे इंक्वायरी बैठा सकते हैं, DG साहब से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। बैनी मातो गांव में जो ये घटना, ये फरमान अनुसूचित जाति के खिलाफ जारी किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे ही घर में घुसते हैं, और अगर हम रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो सारे के सारे समाज का बहिष्कार करते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं।
इतनी बुरी घटना है कि छोटे छोटे बच्चों को पेन और पेंसिल भी नहीं मिलती, दूध भी नहीं मिलता, फल फ्रूट भी नहीं मिलता, सब्जियां भी नहीं मिलती। उन दबंगों की गलियों से अगर जाते हैं तो झुंड के झुंड बैठे हुए हैं, जान से मरने का खतरा भी है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, कहां का ये भाईचारा निभाया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं को ये समाज किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। हम बढ़ चढ़ कर इसका न्याय दिलवाने का काम करेंगे। और मैं गांव वासियों से कहना चाहता हूं, डट के कब तक रहोगे? अगर ऐसे ही आपके ऊपर अत्याचार होते रहे तो आप एक दिन वो भी आएगा। अब तो आपने पुलिस में कंप्लेंट करवा दी, आपको कंप्लेंट करवाने के लिए भी निकलने नहीं देंगे घर से बाहर। अगर आप लोग मजबूत नहीं हुए तो आप लोगों के साथ वो दुर्दशा हो जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरा तो पूरे गांव के महिलाओं से भी और नौजवान साथियों से खासकर अनुरोध है, ये जिंदगी ऐसे नहीं है कि हमारी बहनों की इज्जत लुटती रहे और तुम तमाशा बनकर देखते रहो। क्यों, किस चीज का डर है तुम्हें? मत जाओ, अगर नहीं जाते तो किसी के खेतों में बेच दो अपने पशुओं को। लेकिन स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है। स्वाभिमान की जिंदगी जियो, अपने बच्चों की। अगर हमारी बहनों की जिंदगी ऐसे ही लुटती रही, इज्जत खराब होती रही घरों के अंदर घुस के, तो क्या गुनाह है? इससे बढ़िया तो मुर्दा लोग हैं। आप लोग, मेरी पुनः अपील है, रजत कलसन जैसे मजबूत साथी हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भाटला के कांड में और छात्र के कांड में, अन्य हरियाणा के बहुत से कांडों में इन्होंने कानून में मजबूती से अपनी समाज की पैरवी करके इन जाति वाति गुंडों को जेल के अंदर बंद करवाने का काम किया है। आप अपना हौसला बनाए रखो, किसी भी सूरत में इन लोगों को हम जेल से बाहर नहीं आने देंगे। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अपने स्वाभिमान से समझौता करने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए आप तन मन धन से मजबूत होकर के खड़े रहो। आज हम लोग हरियाणा के जिला रोहतक और रोहतक के गांव बैणी मातों में आप लोगों के बीच में है। हम यहाँ पे अनुसूचित जाति समुदाय का जो मोहल्ला है, कॉलोनी है, वहां पर आए हुए हैं। और यहाँ पर आने का मकसद हमारा यही है कि जिस जगह हम खड़े हुए हैं, सामने ही हमारे समाज के एक परिवार का घर है और उस परिवार में एक छोटी बच्ची है जो नाबालिग है। और इस परिवार द्वारा जो नजदीकी थाना है उसमें 8 दिसंबर को एक FIR दर्ज कराई गई थी। और उस FIR में जो गांव का एक जातिवादी गुंडा है उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि घर में रात के 10 बजे घर में घुसकर हमारे समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। उस लड़के को मौके पर पकड़ा गया और मौके पर पकड़कर तुरंत 112 नंबर पर कॉल की गई। मौके पर पुलिस आई और पुलिस ने मौके पर आकर उस लड़के को उसको थाने ले जाया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ वो जो धाराएं थी वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में केस दर्ज हुआ है, SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है, IPC की धारा 354 और IPC की धारा 506, 452 और इन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो इस मामले में हमारे समाज के लोगों ने, मेरा एक प्रश्न है वैसे ही कि अगर हमारे घर में कोई जातिवादी गुंडा हमारे प्रॉपर्टी को, हम हमारे खुद लोगों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से या हमारे घर की इज्जत को खंडित करने की या खराब करने की नीयत से घर में घुसता है, तो कानून हमें अधिकार देता है कि इतनी रात्रि को कोई व्यक्ति घुसता है तो कानून IPC की धारा जो 95 से लेके 106 तक हमको सेल्फ डिफेंस का अधिकार देती है और उसमें मारपीट और जान से मारना तक शामिल है। लेकिन इसके बावजूद जो पीड़ित परिवार है उन लोगों ने संयम बरता और उन्होंने कानून हाथ में ना लेकर उन्होंने पुलिस को कॉल किया और उसको जेल भिजवाने का काम किया। अब देखा जाए तो हम लोगों ने कोई कानून हाथ में नहीं लिया, कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, एक गलत काम करने वाले, एक अपराध करने वाले को पुलिस के हवाले करने का काम किया था। और हम लोग हरियाणा में हैं और हरियाणा में आप लोगों ने अक्सर खापों का और पंचायतों का जिक्र सुना होगा।
क्या है वो नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन वो 3 स्टार है और 20 लाख घोष मांग रहा हम पे, बोला 20 लाख दो तभी तेरा काम होगा। बर्बाद करेंगे, छोड़ोगे नहीं, जितना भी खो वो पूरे संपत्ति लगा देंगे। क्या हिजड़ा का इज्जत नहीं है? क्या हिजड़ा नहीं है? हम लोग कम रहा है, हम लोग का संस्था नहीं है, हम लोग के क्या पोजीशन डाउन लोग कर रहा है? जहाँ पर आता मदद कर देगा, हम लोग भी कत्ल करेंगे, हथेली उठाएंगे और हम लोग कत्ल करना शुरू करेंगे, हम लोग भी छोड़ने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक पूर्व ब्यूरोक्रेट और है मेरे साथ, रमेश चंद साहब। रमेश चंद साहब क्या कहेंगे बताइए। थैंक यू, मैं नेशनल दस्तक का इस पर जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं पहली बार आया हूं और यहां आरएस प्रवीण जी के ऑफिस में ये मुलाकात हुई। मेरा कहने का है कि हमको एक नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ग्रुप बनाना चाहिए जो हमारे वीकर सेक्शंस के लिए काम करें। मैं इसमें 2 साल से रिटायरमेंट होने के बाद यूपी से मेरा रिटायरमेंट हुआ है और मैं इसमें काम कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पर लोगों को जोड़ रहा हूँ। 75 लोगों का ग्रुप है, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। तो उसमें यही था कि इंटेलेक्चुअल जो है हमारा क्लास वो सोशल, एजुकेशनल और फिर पॉलिटिकली गेन करेगा। और उसी तारतम्य में आज यहाँ हैदराबाद एक प्रोग्राम में बामसेप के मैं आया हूँ, जिसमें शायद आप भी अभी सम्मिलित होंगे। मेरा कहना है कि हमको अपने इस इंटेलेक्चुअल्स को पहचानना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए ब्रेन को, जैसा कि आर एस प्रवीण जी ने बीएसपी के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।
बहुत मजा मिली तो का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।